वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। अक्सर अपने विवादित बोलों को लेकर जाने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक विशेष समुदाय की बात करते हुए उनका कत्लेआम करने की सलाह दे डाली। कहा कि पेट में दाढ़ी, जबान में दाढ़ी रखने वाले जिस गली में, जिस शहर में, जिस जगह मिले उनका कत्लेआम करने से चूकना मत। पेट में दाढ़ी रखने वालों से सावधान रहना, जहां भी वो दिखें उनकी दाढ़ी नोच लेना। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन के भी 18 बच्चे थे, भगवान राम 4 भाई थे और भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे। आपको बता दें कि विनीत शारदा हमेशा अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे यह बयान देने के बाद फंस सकते हैं और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने में हाल ही में आजम खान को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी है, जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी जा चुकी है। अब वही भड़काऊ भाषण बीजेपी के नेता द्वारा दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी ही पार्टी के इस नेता पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखें विनीत शारदा ने बयान के दौरान क्या कहा। मैं अपने व्यास समाज और हिंदू समाज के उन माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ, और आज जिन बच्चों का अभिनंदन हुआ उन बच्चों से भी निवेदन करता हूँ कि भारत में, उत्तर प्रदेश और देश में श्रद्धा को मरने से बचा लीजिए। अपने माता पिता के दिखाए मार्गदर्शन पर चलिए। ये वो माता पिता हैं जो किसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पोषण करके आपको मेधावी छात्र छात्राएं बनाते और आपका समाज आज आपका सम्मान करता। परंतु जब पीड़ा होती है, जब उनके घर में कोई श्रद्धा पैदा हो जाती है, अब जब घर में श्रद्धा पैदा होती है, अब वो मुसलमान का लड़का जिसकी दाढ़ी उगली हुई होती है, और दाढ़ी हो ना हो पेट में दाढ़ी उसके जरूर होती है, और उसकी पेट की दाढ़ी हमारे हिंदू समाज या वैश्य समाज की बेटियों का जिस प्रकार से शोषण करती हैं, उसके लिए हमको एक मत से आवाज उठानी होगी। एक मत से हमें ये सोचना होगा। मैं बच्चे छात्र छात्राओं से प्रार्थना करता हूँ कि अपने माता पिता के मान सम्मान स्वाभिमान की इज्जत आपको रखनी है, इसको समझना पड़ेगा। और मैं कहता हूं जहां कहीं किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी शहर में ये दाढ़ी वाले, पेट में दाढ़ी रखने वाले और जवान पे दाढ़ी रखने वाले आए तो उनका कत्लेआम करने से भी छूटना मत। अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए उनको छोड़ना मत। अपनी बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उसकी दाढ़ी को नोचने में सचुक सचना मत। ये बेटी का अपमान नहीं, ये भारत माता का अपमान है। ये भारत माता का अपमान के साथ साथ ये देश की देवी 33 कोटी देवी देवताओं का अपमान है। इस अपमान को भारत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अपमान का बदला आपको किस रूप में लेना, इस अपमान का बदला अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छी योग्यता देके, उसका बदला आपको अपने बच्चों को सही शिक्षा सही दीक्षा देकर करना होगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।